हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये एक डेटा हमारे पास है। अब ये डेटा की श्रृंखला काफी लंबी भी हो सकती है, जैसे यहाँ कुछ और नाम मैं लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं SUMN सुमन कर दिया हमने, फिर नीचे आए यहाँ पे कर दिया हमने सुरभि, ये कर दिया, फिर यहाँ पे आए यहाँ पे कर देंगे रीता। इसी तरह से कुछ और नाम भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज दे दीजिए इनका, जो भी परसेंटेज हो, जो भी परसेंटेज इन्होंने गेन किया हो एग्जाम में वो दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैं दे देता हूँ ये लाइन इस तरीके से, फिर यहाँ पे आएंगे तो इनका भी परसेंटेज दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये दे दिया हमने, बाकी ये आपको फॉर्मेट पेंटर यूज करना होगा ताकि ये फॉर्मेट कॉपी हो जाए। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए इसी फॉर्मेट को कॉपी करना है, बाकी ये क्लिपबोर्ड में आपको फॉर्मेट पेंटर दिखाई पड़ेगा, आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूं और माउस का लेफ्ट बटन दबा लेता हूं और अब इस फॉर्मेट को कॉपी कर देता हूं। तो देखिए ये सेम फॉर्मेट में आ गया। अब हमें करना क्या है, देखिए ये जो है ना डेटा बार, इसके लिए हमें डिजाइन करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, डेटा बार डिजाइन करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद हमें कहां जाना है, सीधा यहां पे आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, क्लिक कीजिए और यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा डेटा बार्स। तो यहां पर आ जाइए और जो भी आपको डेटा बार लेना हो, कलर जो भी रखना चाहते हो तो वो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये कलर रख लेते हैं रेड, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं ये मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं 85% के बजाय यहां पर इसको हटा दूं और यहां पर 44% कर दूं तो ये देखिए डेटा बार जो है उसकी परसेंटेज देखिए वो छोटा हो गया है। लेकिन अगर यही मैं यहाँ पर 86 या 87 या 78 कुछ ऐसा कर दूं तो ये डेटा बार काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 78 कर दिया तो ये देखिए इसकी साइज बढ़ गई। तो इस तरीके से आप डेटा बार डिजाइन कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके, और इसकी श्रृंखला काफी लंबी भी हो सकती है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये डेटा बार डिजाइन कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।